हाँ बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि आप पहले भी इससे पहले प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन मेरा पूरा हो चुका है। अब इस पर न्यूमेरिकल थोड़े से बचे हैं, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं वह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पहले समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए किसी का फ्रीजिंग पॉइंट 0°C है, या वाटर का हम कहते हैं 4°C पे वाटर फ्रीज करना शुरू कर देता है। कहते हैं अगर वाटर के अंदर थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट ऐड कर दें, शुगर ऐड कर दें, कोई भी सॉल्ट, कोई भी सब्सटेंस जो कि वेपोराइज नहीं हो सकता है, वैसे कंडीशन में इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है। कम होने का मतलब यहां पर यह नहीं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 4°C पे फ्रीज होगा तो वो फ्रीज होना शुरू करेगा 0°C पे, -1 पे, -10 पे, इस तरह से हमें कम की तरफ जाना है। इसके एप्लीकेशन भी बहुत पढ़ेंगे आप डिटेल। थोड़ा समझते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आती है, क्या रीजन है इसके पीछे। जब भी कोई फ्रीज करता है तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अटेंड करता है। पहली बात हम फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। यहां पे टेम्परेचर एट विच, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का, वेपर प्रेशर सॉलिड का, जब दोनों जिस टेम्परेचर पे बराबर होगा, देन दैट इज इक्वल टू दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ये टेम्परेचर को यहां मेजर करा रहे हैं। नेक्स्ट, यहां पर ग्राफिकल तरीके से समझाने की कोशिश किया गया। वेपर प्रेशर यहां प्रेजेंट है, यहां पर देखिए लिक्विड सॉल्वेंट था पहले, आपने टेम्परेचर लोअर डाउन किया, अल्टीमेटली इस पॉइंट से ये सॉलिड बनना शुरू किया, तो सॉलिड सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर होगा इस पॉइंट पे। अगर आप सॉल्यूशन शुरुआत करें तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन वेपर प्रेशर पहले से उसके रिस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि यहां प्योर सॉल्वेंट था, यहां पे आपके पास सॉल्यूशन था। आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इसके वेपर प्रेशर पहले से ही कम होगा, तो अल्टीमेटली ये पहले यहां पे इस टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जब वेपर प्रेशर पहले से कम है तो जाहिर सी बात है लोअर साइड पे आएगा, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा तो हायर साइड पे आएगा। तो आप यहां आप चेक कर सकते हैं, यहां पे देखिएगा वेपर प्रेशर दोनों में कम है, ये पहले प्रूफ कर चुके हैं आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रखिए चार ये तीनों जो टॉपिक है आपस में इंटरलिंक हैं, हमेशा आप इंटरलिंक करके समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। पहले केस पे मैं फिर दोबारा रिमाइंड करता हूं आपको, पहले केस में आपने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जहां पे प्रेशर में कमी आ जाती है जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया, ये मोल फ्रैक्शन से डिराइव किया गया है। इतना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वहां पे उतना ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस बढ़ेगा। टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की रीजन क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। अब आप जानेंगे यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, बट उससे मोलिटी के टर्म में हमने चेंज किया। वो चेंज कैसे किया वहां मैंने बताया नहीं, यहां जरूर बताऊंगा आपको ताकि आप रिलेट कर पाए आसानी से। अब इस ग्राफ को समझ लिया आपने कि सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसलिए टॉप पे लिया हमने, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कम होगा टॉप आपने बॉटम पे लिया। यहाँ वेपर प्रेशर देखिए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पे पीएस का वेपर प्रेशर, यहाँ पे पी नॉट ए का वेपर प्रेशर, तो जाहिर सी बात है पीएस की वैल्यू पी नॉट ए से कम होगी। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है जल्दी फ्रीज बहुत लोअर टेम्परेचर पे करेगा, ये देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर का हायर होगा। तो यहां पे उल्टा हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ये चीज है। टी नॉट एफ इज मोर देन, इधर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ज्यादा होगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं, व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट स्टार्ट्स टू सेपरेटाइज सॉलिड, जैसे ही फ्रीज के टेम्परेचर कम होना शुरू होता है वहीं से सॉलिडिफिकेशन की शुरुआत होती है, सॉल्यूट वहां से अलग होना शुरू जाता है, मतलब जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट आपको घटता चला जाएगा देन इट बिकम्स सॉलिड स्टेट, अल्टीमेटली वो सारा अपना स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज करके सब जितने भी सॉल्वेंट होंगे वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर बिकम द लोअर डाउन। अब यही चीज देखिए पिछले क्या वजह हुई, आपने सॉल्यूट ऐड किया डेल्टा टीएफ इज लोअरिंग वेपर प्रेशर के बराबर, आरएनवीपी पे प्रूफ हो चुका है प्रोपोर्शनल टू ζb के बराबर होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू ζb हम कह सकते हैं बिकॉज आप लोअरिंग वेपर प्रेशर की वजह से डेल्टा टीएफ में कमी आ रही है, डेल्टा टीवी में भी यही बात थी मोल फ्रैक्शन पे। तो डेल्टा टीएफ जो यहां पर लिखा प्रोपोर्शनल टू ζb प्रेजेंट है यहां पर, तो आप ζb को चाहे तो ऐसे प्रोपोर्शन को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए आप एक कॉन्स्टेंट एड करें, इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट स्केल। अगर हमारा कोई बहुत डायल्यूट सॉल्यूशन है उस कंडीशन में एनबी अपॉन एनए प्लस एनबीए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, बट वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि सॉल्यूट का डिनोमिनेटर वैल्यू का हम उसको चाहे तो आसानी से हटा सकते हैं, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनए, तो एनबी बाई एनए बन गया। अब आगे आप देखिए इसमें क्या होता है, इसके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास यहां पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू आपके पास आ गया था के इंटू एनबी बाई एनए, क्योंकि मैंने यहां पे मोल फ्रैक्शन ही लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहां पे एनबीज अपॉन एनए। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला होगा के इंटू डब्ल्यू बी बाई एनबी, इसे ओपन किया जाए, और इंटू एमए बाई डब्ल्यू ए, इट इज क्लियर है। अगर आप के और एमए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में
देन इज कॉल्ड टू डेल्टा टी एफ इज कॉल्ड टू आता है, दैट इज कॉल्ड के एफ बन जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, इन टू यहां पर देखिए आप डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वन बाई डब्ल्यू ए, अगर ये किलोग्राम में ले तो इस पोर्शन को हम चाहे तो मोडलिटी में चेंज कर सकते हो, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हम कह सकते हैं के एफ इंटू एम, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है। अब सवाल उठा व्हाट इज के एफ, के एफ को कह सकते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या इसी को एक नाम कहते हैं दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखिए ये ओनली फॉर सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है, सॉल्यूट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूला बिल्कुल बस सेम एज वैसे ही रहेगा आपका, हम केएफ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज केएफ, केएफ इज इक्वल टू वही आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी। बस कभी कभी यूनिट्स की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, केएफ इज इक्वल टू आप कह सकते हैं डेल्टा टीएफ अपॉन एम, डेल्टा टीएफ का मतलब केल्विन, एम का मतलब क्या होगा आप जानते हैं मोल पर केजी, तो ऊपर जाएगा किलोग्राम पर मोल हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो ये बेसिक यूनिट है केएफ का। हाँ वाटर के लिए अगर हम बात करें, H2O के लिए अगर हम बात करें तो केएफ की वैल्यू होती है 1.86, तो हर सॉल्वेंट का केल्विन किलोग्राम पर मोल इस तरह से वैल्यू, ये गिवन होगी वैल्यू, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना। इस तरह से आप चाहे तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा आपको न्यूमेरिकल, इसका मतलब जहां पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना है वहां पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं, इसके एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, दो एग्जांपल है मेरे पास। पहला एग्जांपल अगर आपने गौर किया, कोल्ड कंट्रीज में हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, अब बताइए वहां पे गाड़ी के जो कार होते हैं उसमें रेडिएटर प्रेजेंट होते हैं, रेडिएटर में क्या होता है वाटर इस्तेमाल करता है कि वो इंजन को ठंडा कर सके। अगर मान लीजिए वहां पे टेम्परेचर माइनस में है तो अल्टीमेटली क्या वो वाटर तो फ्रीज कर जाएगा, रेडिएटर फट जाएगा, अल्टीमेटली गाड़ी चलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम इथिलीन ग्लाइकोल वाटर में ऐड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, वाटर को फ्रीज होने से रोक सके और वहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहे ना कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड एग्जांपल कोल्ड कंट्रीज का ही, जैसा कि हम जानते हैं कि सड़कों में बहुत ज्यादा आइस भर जाता है, बहुत ज्यादा आइस स्नोफॉल जहां पे होते हैं सड़कें जाम हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में करते हैं कि वो नमक सॉल्ट का हम छिड़काव करना शुरू करते हैं। इसकी वजह है कि हम जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर उसका 0 डिग्री सी है तो उसे निगेटिव में ले जाते हैं ताकि वहां के सड़क के जो आइस है वो मेल्ट कर जाए और सड़कें साफ हो जाए। इस तरह से इसका बेसिक एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जिसको आप नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं। चलिए होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेहतर सजेशन जरूर दें कि और क्या बेटर हम कर सकते हैं इस वीडियो में और क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। आपके सजेशन की बहुत सख्त जरूरत है और बेहतर तरीके से होप आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और सिंसियरली अपना एफर्ट करें। अगर कहीं डाउट्स हो तो डाउट सेक्शन में जाकर जरूर आप मुझे मैसेज जरूर करें, इसके बारे में बताएं जरूर।